हेलो क्लास। सो कल हमने क्या किया था, हमने क्रिएट कमांड, ड्रॉप कमांड और इंसर्ट कमांड किया था, राइट। सो टुडे वी विल कंटिन्यू विद आर डिलीट कमांड, ओके, एंड आर अपडेट कमांड एंड आर सिलेक्ट कमांड, ओके। सो लेट्स सी। सो पहले हम क्या करते हैं, अपना क्रिएट इंसर्ट को एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या था, देन वी कंटिन्यू। रिकॉल करते हैं पहले हम। सो फर्स्ट इज क्रिएट विच इज यूज्ड to create the structure of your table, okay. I'm just going to write direct the example of it. Say aapka example hai your create word, table keyword, your table name says student, okay, then opening closing brackets, okay, and enter, okay. So यहाँ पर मैंने क्या दिया है, आप इसको एक लाइन में भी दे सकते हैं, ओके। सिंपली मैं अब यहाँ पे यही करूँगी, मैं इसको वन लाइन में लिख रही हूँ। मैंने क्या दिया है, रोल नंबर। इसका डाटा टाइप मैंने क्या दिया है, से इंटीजर, ओके, एंड देन माय नेक्स्ट इज, से मैंने इसको क्या बना दिया है, इन ब्रैकेट्स आई एम टाइपिंग इट्स कंडीशन और से कॉन्स्टेंट प्राइमरी स्पेस की, ओके, देन आई एम सेपरेटिंग माय कॉलम विद कॉमा एज पर माय सेकंड रूल, कि हमें हमारे हर एक कॉलम को कॉमा से सेपरेट करना है एक्सेप्ट द लास्ट वन, ओके। नाउ माय नेक्स्ट वन इज नेम, वेयर आई एम यूजिंग वेयर केयर, ओके। सो इट्स साइज विल बी से 5, ओके, एंड देन सेम मार्क्स, दैट्स ऑल। सो मार्क्स विल बी ऑफ लाइक in teacher, and just closing it and semicolon, ये same work करेगा, okay। मैंने इस तरीके से लिखा है, it's my example, and say typing enter your name and here is my marks, okay, it's my create table। now let's move to next, which is insert। हमने इंसर्ट के 2 एग्जांपल्स किए थे, राइट। इंसर्ट विच इज यूज्ड टू इंसर्ट डाटा इनटू योर टेबल, ओके, जो आपके टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है, दैट्स माय insert command, okay। so here is our syntax, जो syntax थे उसके से मैं 2 examples लिखने वाली हूँ। what's the examples will be, so my first will be like say insert into table name say student values keyword, okay, and say my roll number is 1 and I'm just taking an example, separating with comma, say A, and my marks is 200, okay, and ending with semicolon, okay. So my next example is, say it's insert into student your table name, then values keyword, sorry, it's student, then we'll give our attributes name without this double quotes, sam ye mere inverted commas use nahi honge since
it's my attributes, not values. Okay, we use inverted commas just with our values, not with the attributes. So here is my attributes name is roll number, comma name, and comma max. Okay, so then we use our values keyword, then we just write down our data. So say here to b, and with comma it's say 250. Okay, and ending with same semicolon. So here is my two syntax. One is only with values and one is attributes and values both. Here is my attributes, okay, and here is my values, okay, and here is only my values. आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे तीनों सिंटेक्सेस हैं. फर्स्ट इज माई क्रिएट टेबल, ओके, देन सेकेंड वन इज माई इंसर्ट, देन इज माई सेकेंड इंसर्ट. ओके क्लास, सी, सो लेट्स कंटिन्यू विद आर नेक्स्ट. हमने एक और किया था, राइट, दैट वॉज आर ड्रॉप, राइट, which is used to permanent, or you can simply say which is used to delete your table from the memory. मीन्स आपकी मेमोरी में से आपकी टेबल क्या हो जाएगी, ड्रॉप, डिलीट हो जाएगी. ओके, एंड द एग्जाम्पल इज योर सिंपल ड्रॉप टेबल कीवर्ड एंड योर टेबल नेम, ओके, एंड विथ सेमीकॉलन, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, इट्स योर सिंटैक्स. ओके, सो दैट्स आर थ्री सिंटैक्स which we done in our last lecture. So now here we continue with our next command, which is our delete command. Okay, delete, which is similar to drop, but the difference, see, which is used to delete only the values from the table and structure of table still in the memory. Means, or you can say योर टेबल, जब आपका टेबल होगा, टेबल स्टिल एग्जिस्ट इन मेमोरी. आपका जो क्या होगा, हमने कल किया था, जो हमारा ड्रॉप होता है वो मेरे स्ट्रक्चर को डिलीट कर देता है, राइट, बट जो मेरा डिलीट होगा वो मेरा क्या करेगा, मेरे स्ट्रक्चर को, मेरे जो टेबल का स्ट्रक्चर है उसको डिलीट नहीं करेगा, वो सिर्फ वैल्यू को डिलीट करेगा. ओके, मीन्स यू कैन सी हियर कि मेरी ये मैंने टू वैल्यूज इंसर्ट की थी, राइट, सो मुझे क्या करना है, मेरा रोल नंबर वन को क्या करना है, मुझे डिलीट करना है. सो मैं कैसे डिलीट करूँगी, इट्स सिंपल. फर्स्ट वी डू द सिंटेक्स, राइट, सो द सिंटेक्स इज say delete, here we use from, right, in insert we use into, कि हमें इसमें insert करना है, but delete हमें उसमें से delete करना है, from, okay, from your table name student. Okay, आप simply अगर ये command use करेंगे, okay, or you can say if you use delete star, okay, if you use
delete star from student or delete from student, it will delete all of your data. Means जो हमने ये दोनों values insert की हैं, ये दोनों को delete कर देगा. You can use your table name, okay? आपका जो table name है. Oh, your second syntax is if you want to delete a particular record, then delete from table name. Here we use our where clause, okay? Means where. It's important. Where is not a keyword, it's a clause. हम यहाँ पे क्या करते हैं, where clause को use करते हैं. Okay, you know हमने किया हुआ where, then condition and semicolon. हम यहाँ पे क्या देते हैं, अपनी condition देते हैं जिसके regard हम क्या कराना चाहते हैं, अपनी value को delete कराना चाहते हैं. Okay, so now let's do the example. That was sorry. It's my syntax. So now here we do the examples. So example say delete star from student, okay, and the second one will be delete from student where roll number equals to 1 and added. Means जहाँ मेरा roll number 1 होगा वो record मेरा delete हो जाएगा. Okay, so जो मैंने ये roll number 1 का record अपना insert किया हुआ है, ये record मेरा पूरा का पूरा remove हो जाएगा. Delete command जो मेरा होता है, एक complete value को delete नहीं करता, वो मेरे पूरे के पूरे record को करता है. Means ये सिर्फ मेरे roll number 1 को या फिर किसी पर्टिकुलर मीन्स में सिटी को नहीं डिलीट करेगा, ये मेरे पूरे के पूरे रिकॉर्ड को डिलीट करेगा. ओके क्लास, सो इट्स माय डिलीट. टू डिलीट ऑल द डाटा वी यूज डिलीट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. सो द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट, सी मैं साइमल्टेनियसली करा रही हूँ. क्रिएट, क्रिएट के साथ इंसर्ट, डिलीट एंड ड्रॉप. हमने अभी ड्रॉप भी डिवाइस किया, राइट? सो ड्रॉप में मेरा पूरा स्ट्रक्चर डिलीट हो रहा है, बट डिलीट कमांड में मेरा सिंपली डाटा डिलीट हो रहा है. आप देख रहे हैं DDL में सब कुछ मेरा स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो रहा है, बट DML में मेरा सब कुछ मेरा डाटा से रिलेटेड हो रहा है, राइट? मेरा इंसर्ट एंड डिलीट DML कमांड है, सो वो सिर्फ डाटा के ऊपर काम करेगा. इंसर्ट मेरा सिर्फ डाटा इंसर्ट करेगी, टेबल क्रिएट नहीं करेगी. डिलीट सिर्फ मेरा डाटा डिलीट करेगी, टेबल डिलीट नहीं करेगी. सिमिलरली क्रिएट एंड ड्रॉप इज माय DDL कमांड्स. सो क्रिएट विल क्रिएट माय टेबल, नॉट माय डाटा. ठीक है, वो मेरे डाटा इंसर्ट नहीं कर सकती. ड्रॉप विल डिलीट माय कंप्लीट टेबल, माय स्ट्रक्चर ऑफ माय टेबल. ओके, इट विल नॉट गोना डिलीट ओनली माय डाटा. ओके क्लास, सो हियर इट इज योर डिलीट कमांड. सो let's move ahead. Then now my next is say update, or say we can say select. Okay, so first पहले update ही कर लेते हैं. Update, okay. Which is used, which is used to update particular values of a record. Means आपके record की जो particular कोई value है, हम उसको क्या कर सकते हैं, update. Okay class, okay, so let's do the syntax of our update command. Say example, sorry, syntax. Syntax will be like the similar way. Update. यहाँ पे हमारा क्या होता है, update.
टेबल नेम, मीन्स हम डायरेक्ट करेंगे कि हमारा कौन सा टेबल क्या होने वाला है, अपडेट होने वाला है, राइट. टेबल नेम, ओके, मुझे टेबल अपडेट करना है. देन मुझे क्या अपडेट करना है, मैंने टेबल दे दिया है और मुझे अब क्या देना है. अब यहाँ पे मेरा कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है, हियर वी यूज़ आर कीवर्ड सेट, ओके. यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सेट कीवर्ड, ओके. मीन्स मुझे वैल्यू सेट करनी है, से मुझे जो मेरा क्या कहते हैं, सपोज जो मेरा अब रिकॉर्ड वन है, ओके, फॉरगेट दैट कि मैंने डिलीट कर दिया, दैट वॉज सिंपल एग्जाम्पल. स्टिल मेरे टेबल में दो रिकॉर्ड्स हैं, रोल नंबर वन एंड रोल नंबर टू. से मुझे अपडेट करना है रोल नंबर टू को रोल नंबर थ्री करना है. सो वी कैन से हियर इज अपडेट रोल नंबर इक्वल्स टू थ्री. और इसे अगर मुझे नेम अपडेट करना है तो सिंपली मैं लिख सकती हूँ नेम इक्वल्स टू सी. देन इन सिंटैक्स वी राइट इट इज लाइक एट्रीब्यूट एंड हियर न्यू वैल्यू, जो आपकी न्यू वैल्यू है, ओके. देन आपका वे क्लोज एंड ऑब्वियसली आपको पर्टिकुलर वैल्यू करनी है तो आपको एक रिकॉर्ड आइडेंटिफाई कराना पड़ेगा. सो हियर इज द कंडीशन, ओके, एंड साइन कॉलन. इट्स योर सिंटैक्स. सो एग्जाम्पल, इट्स सिंपल, अपडेट student set roll number equals to 3 where name equals to b. obviously mera name alag hai, mujhe pata hai, so main de sakti hu, right. see, update student set roll number where name equals to b, okay. Okay class, so here is my update command. Now let's move to our next and the last, which is our select command, okay. So ye sare jo commands thi, they will simply display a message in output, say here my create will say इन आउटपुट, ओके. सो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, हियर टेबल स्टूडेंट क्रिएटेड, आपको ये आउटपुट मिलेगा, ओके. सॉरी, आपको ये आउटपुट मिलेगा. देन इन इंसर्ट you will get the output. Simple output will be one row is inserted. Yeah, means aapne say first wala structure agar follow kiya hai, this one, then you say one row is inserted, or simply this can be like one, okay. देन यू सेकेंड अगर आप कर रहे हो दोबारा से, देन अगेन वन रो इज इंसर्टेड. हियर यू विल गेट योर आउटपुट. टेबल ड्रॉप्ड, और यू कैन से टेबल स्टूडेंट ड्रॉप्ड, ओके. यू विल गेट योर output like that. And here similarly as insert one row deleted, and in update obviously output will be like
one row updated. Okay, like this you will get your outputs. So now ये सिंपली आपको ये आउटपुट दे रहे हैं, आपको दिखाई नहीं रहे मेरे टेबल चेंज हो भी रहा है नहीं हो रहा है, ये हो रहा है नहीं हो रहा. सो फॉर डिस्प्लेइंग वी यूज सिलेक्ट, सॉरी वन रो अपडेटेड. सो फॉर डिस्प्लेइंग वी यूज सिलेक्ट कमांड एज आई टोल्ड यू. सो लेट्स सी सिलेक्ट. Which is used to display the data in tabular form. Means आपको actual output मिलना चाहिए tabular form में. Okay. So let's see the syntax. So here is your syntax. Is first like delete is select star from table name. Okay, means the star defines that complete row. Okay, के number of rows जितने भी सारी rows हैं उन सभी को वो क्या करेगा, display करेगा. Okay, so let's see here example. Say select star from student. Okay, so now what if अगर मुझे कोई particular data like मुझे सिर्फ वही students देखने हैं जिनके roll number more than 10 है, या फिर जिनके marks greater than 80 हैं, जिनके marks greater than 200 है, like this. So हम use करते हैं where clause. So for that our syntax is select attribute, like one attribute, two. If you want to display particular attributes के मुझे पास तीन कॉलम्स हैं, मुझे सिर्फ दो ही कॉलम डिस्प्ले करने हैं, उस केस में एट्रीब्यूट n. ओके, फ्रॉम योर टेबल नेम like this. One syntax is like this. Okay, so its example is say select, सिर्फ मुझे क्या करना है, एक ही कॉलम चाहिए नेम का, फ्रॉम स्टूडेंट. सो मैं भी आपको सभी लिखने के बाद इनका आउटपुट भी देंगी कि आपको आउटपुट एक्चुअल कैसा मिलेगा. ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आपको टैब, बिकॉज इट्स माई नॉट पैड, मैं टेबल तो क्रिएट नहीं कर सकती. सो मैं आपको आउटपुट वर्ड में शो कर दूंगी. ओके, so let's see. Okay, like this. Now what if अगर मुझे इनमें से भी क्या चाहिए, कुछ पर्टिकुलर डाटा चाहिए, जैसे मैंने बोला कि जिनके मार्क्स सिर्फ 80 से अबव हैं, जिनके रोल नंबर मोर देन 10 है, 10 से अबव रोल नंबर वाले स्टूडेंट्स का चाहिए रिजल्ट, लाइक दिस. सो फॉर दैट सिलेक्ट सेम एट्रीब्यूट वन, एट्रीब्यूट टू, attribute n from table name, and you know for condition we use where clause. Okay, where clause, and here is condition, simple. And see the example. Select name from student where roll number equals to, or you can say max greater than 100. Obviously अब आपको पता है इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, ये आपको सेकेंड दिखाएगा उसके 250 मार्क्स, राइट. सो इट्स लाइक दैट. ओके, ये मेरे तीन सिंटेक्स है, ये मुझे आउटपुट में क्या देंगे, मेरा टेबलो फॉर्म मुझे इन रिटर्न करने वाले हैं, मुझे टेबल्स इन रिटर्न मिलती हैं. ओके क्लास, लेट्स सी द आउटपुट ऑफ फर्स्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. इसका आउटपुट कैसे होगा हमारे पास. सो मेरा फर्स्ट क्या था, रोल नंबर, राइट.
My second one was name and my third one was marks. So simply यहाँ पे मेरे 100 marks थे, यहाँ मेरे 250 marks थे. Here is my name, it was B. Right, and here is A. And here my roll number was 1 and here is 2. Okay. So that will be our output for select star from students. Okay, मुझे मेरा पूरा table show होगा like this. Okay. So now what about our next? So next is like name. Okay. So यहाँ पे क्या होगा, आपको output कुछ ऐसे मिलेगा, but यहाँ पे क्या करेगा, since मैंने सिर्फ name किया है तो वो मेरे इस चीज़ को remove कर देगा. मेरे क्या करेगा वो, मेरे जो marks हैं उनको भी remove कर देगा, मुझे output सिर्फ क्या देगा, name. Okay, वो पूरा table लेगा, उसमें से मैंने सिर्फ name को बोला है display करने को, तो वो सिर्फ मुझे क्या करेगा, name ही display करेगा. Okay. So now my second one, where my marks is greater than 100. So here my output will be, वो मेरा greater than 100 marks means my second. So वो मेरा क्या करेगा, second row को क्या कर देगा, delete कर देगा और मुझे output कुछ ऐसे मिलेगा. Then मैंने सिर्फ name को मांगा हुआ है तो वो मेरे इधर इसको भी और इसको भी क्या कर देगा, remove कर देगा. और see, according to query मुझे सिर्फ name मिलेगा, select name from student where marks greater than 100. Okay, so my output will be look quite like this. Okay, so that's all for now. So आज मेरा एक और lecture है, so उसमें मैं आपको एक video share करूँगी जिसके through you will learn how can you install your MySQL latest version in your systems. Okay, then you will install MySQL and then try this queries, this SQL commands in your system. Okay, thank you. Stay safe, stay at home.